प्राकृतिक भारत की टीम ने उमाघाट में जागरूकता फैलाई कि लोग अधिक से अधिक गोबर के बने दीप का उपयोग करें। सामान्य मिट्टी से बने दिए का उपयोग करने से मां नर्मदा दूषित होती हैं और प्राकृतिक भारत की टीम ने एक सुंदर सी पहल रखी कि लोग अधिक से अधिक गोबर के बने दियों का उपयोग करें। और प्राकृतिक भारत की टीम का कहना है कि उन्होंने गोबर के बनाए दियों में जीव जंतुओं के लिए भोज्य पदार्थ मिलाए हैं और दीप के अंदर एक बीज भी है, जिससे दीप ठंडा होने के बाद वह एक पेड़ का रूप धारण करेगा और वह इस मुहिम में जुड़े और नर्मदा माँ को प्रदूषण मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम कहीं न कहीं गौधन को नर्मदा माँ के साथ जोड़ रहे हैं और उन्होंने लोगों से इस मुहिम में जुड़ने का संदेश दिया है और इस मुहिम को हैशटैग रेवा दीपदान का नाम दिया गया है। हर जगह और लोगों से अपना सहयोग मांग और साथ ही साथ गोबर के गमलों का भी निर्माण किया। और प्राकृतिक भारत की टीम का कहना है कि गोबर के बने गमलों में पौधे लगाने से वो अच्छी तरह से पनपेंगे और गोबर के बने दीप और गमलों का उपयोग करने से प्लास्टिक का उपयोग भी कम होगा और इससे प्रदूषण भी कम होगा। इससे हमारी आसपास की जो प्रकृति है, वातावरण है, एनवायरनमेंट है, सुरक्षित रहेगा। इससे लोगों को और भी अधिक रोजगार की तरफ प्रेरणा मिलेगी, यानी इससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा। लोगों से अपील करें, ग्राम पंचायत और गौशाला को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें, जिससे वह लोगों को दीप बनाना और गमले बनाना सिखाएंगे, जिससे यह अपने लिए आमदनी और रोजगार को ज्यादा से ज्यादा रूप में अपना सकेंगे। नर्मदे हर दोस्तों, हम प्राकृतिक भारत की टीम आज यहाँ पे उमाघाट में है, जहाँ पे हम जागरूकता फैला रहे हैं लोगों को कि अधिक से अधिक वे गोबर का दियों का यूज़ करें। जहाँ पे आज लोग अज्ञानतावश हमारे दीपदान में दोनों का यूज़ करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं माँ प्रदूषित होती है। हमारी एक सुंदर सी पहल है कि आप गोबर के बने दियों का इस्तेमाल करें, जिनमें हमने भोज्य पदार्थ मिलाया है जलीय जंतु के लिए और हर एक दिए में एक बीज है जो कि कहीं ना कहीं तटीय क्षेत्रों में जाके दीपदान के पश्चात एक पेड़ का रूप धारण करेगा। तो हम लोग की एक सुंदर सी अपील है प्राकृतिक भारत की कि आप सभी लोग इस मुहिम में जुड़ें और हमारी माँ को प्रदूषण मुक्त बनाएं, क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं हमारे गौ माता के गौधन को हमारी नर्मदा माँ के साथ जोड़ रहे हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में आप सभी जन इस मुहिम में जुड़ें। हैशटैग रेवा दीपदान के नाम से मुहिम चल रही है हर जगह, कृपया इस सभी में हमारा सहयोग प्रदान करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी के साथ हमने गोबर के गमलों का भी निर्माण कराया हुआ है, जिसमें आप अपने घर के पेड़ पौधे लगा सकते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी तरह से पनपेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से उर्वरकता का कार्य करता है और कहीं ना कहीं जहाँ जब अपन प्लास्टिक का यूज़ करते हैं वो बहुत हद तक कम हो सकता है, जो कि प्रदूषण के लिए को कहीं ना कहीं कम करेगा। और हम चाहते हैं कि इस माध्यम से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करें। आज हमारी गौशालाएँ, ग्राम पंचायतें आज हमारे साथ जुड़ें, जिनसे हम उनको ये दिए बनाना, ये गमले बनाना बताएं, जिनसे वो अपने लिए आमदनी और रोज़गार का एक जरिया बना सकें। आप सभी से ये छोटी सी विनती है, ये पहल है, अधिक से अधिक मात्रा में जुड़िए। हमारी टीम यहाँ पे पूरे 7 दिनों के लिए है, जो कि यहाँ पे फ्री में गोबर के गमले और ये दिए यहाँ पे दे रहे हैं लोगों को, जिससे लोग इन दियों का इस्तेमाल करें दीपदान के लिए। आप सभी से ये विनती प्राकृतिक भारत की। नाम? हमारा नाम राम चौकसे है, मैं इस प्राकृतिक भारत का को फाउंडर है। ये हमारे ब्रजेश हैं जो कि हमारे MD हैं और हमारी फाउंडर नमिता चौकसे आज हमारे साथ यहाँ बेंगलोर में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो कुछ कंपनियों के साथ वहाँ डील कर रही हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में हमारे साथ आएँ और जुड़ें।